दार हुआ है तब से उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो आज तक वैसा ही है। शिवा, आई लाइक योर डेयरिंग कैरेक्टर, ऐसी भले ही खुद के लिए नहीं हो पर दूसरे के लिए तो हो। देखिए, दूसरे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। संडे जी, बस तूने आकर सब भोंक दिया ना। आप वो देख, मैं कल को नहीं मानता, वैसे इंसान को भी नहीं मानता। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड और द बेस्ट पेयर? हार्ट एंड सोल, शरीर और जान, जब से पैदा होते हैं तब से हमारे साथ रहते हैं, यही लोग हैं। ये लोग भी कुछ बताए बिना चले जाते हैं, तो फिर किस पर भरोसा करूं? बी प्रैक्टिकल। अच्छी बात है बेटा, ये लो चेक पे साइन कर दो। या ओके। हाँ, ये जो चेक है ना, इसके बाद नहीं अंकल, पिछले 25 सालों से मैंने नहीं पूछा, अब पूछकर क्या करूंगा। बाय, कम लेट्स गो। हाँ चलिए। गुड मॉर्निंग सर। What is good about today's morning? सर, आज सुबह से क्या क्या हुआ है? सर, सुबह मैंने अपने बच्चे को स्कूल छोड़ा, फिर वाइफ को ऑफिस छोड़ा, उसके बाद पिताजी को हॉस्पिटल छोड़कर, और जब यहाँ के लिए निकला तो ट्रैफिक ने दिमाग खराब कर दिया सर। ऐसा है तो आज की मॉर्निंग गुड कैसे हुई? सर, लुक, बी प्रैक्टिकल, इफ यू से समथिंग यू शुड मीन इट। मतलब रहना चाहिए। ओके सर। गॉट इट? यस सर। ऑफिस में नए हो क्या? धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। गुड मॉर्निंग। सर, मैं आई कम इन? या सर, मैंने आपको एक मेल किया था। रिगार्डिंग? मुझे पालने वाली माँ एक्सपायर हो गई है, सो आई हैव टू गो टू इंडिया। जाकर क्या करोगे? सर, आप जाओगे तो वो जिंदा हो जाएंगी? नहीं ना, अगर नहीं जाओगे तो वहाँ का प्रोग्राम नहीं होगा। कोई चार लोग कर लेंगे ना, यहीं से प्रार्थना कर लो। आखिरी बार उनका चेहरा देखना चाहता हूँ सर। क्यों, घर में फोटो नहीं है क्या? और ये क्या, पैदा करने वाली को पालने वाली कह रहे हो? डोंट बी इमोशनल फूल, गेट बैक टू योर वर्क। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ इसे शिवा? उसकी कोई पालने वाली मर गई है कह रहा है, इंडिया जाने के लिए छुट्टी मांग रहा था। इसलिए मैं कहता हूं कि इंडियंस को अपॉइंट मत कीजिए, दे आर कंप्लीटली इमोशनल फूल्स। मैरिज के लिए 1 वीक, मर गया तो 1 वीक, पूरी तरह से कमजोर होते हैं। और यहां देखिए, हाफ डे मैरिज, हाफ डे क्रिमेशन एंड बैक टू वर्क। सर, अब क्या हुआ? मैंने रेजिग्नेशन लेटर मेल किया सर। व्हाट? आपकी नजर में पैदा करने वाले और पालने वाले में कोई डिफरेंस नहीं है सर, स्पेशली इंडियंस के लिए ये दोनों एक ही हैं सर। हम इंडियंस जी रहे हैं इमोशंस और संबंध के लिए। संबंध, माय फुट, व्हाटएवर यू कॉल सर, बट मेरे लिए वो ही इम्पोर्टेंट है। तनख्वाह देने वाली और भी बहुत सारी कंपनी पड़ी है, लेकिन संबंध कुछ लोगों के साथ ही होता है। कोई चार लोग करे तो वो काम होता है सर, और अगर हम गए तो उनका एहसान चुका सकते हैं, बिकॉज कल मैं मर जाऊं तो चार लोगों को आना चाहिए सर। आप इंडियन है फिर भी ये बात समझ नहीं पा रहे हैं। आई रियली पिटी यू सर। गुड बाय। फुलिश फेलो। आप क्या कहते हो? ए पर्सन एंड हिज पर्सनैलिटी, मतलब एक व्यक्ति और उसका व्यक्तित्व, इन दोनों की पहचान कैसी होगी? जब इंसान जीता है तो वो अपने हिसाब से जीता है, जब वो मर जाता है तो उसके पीछे चलने वाले हजारों होते हैं, और ऐसा नहीं है तो मतलब वो जरूर अनाथ है। गेम ओवर। बॉस, अपने देश में पगार नहीं दिया तो भी लोग काम करते हैं, यहाँ छुट्टी नहीं देने पर लोग काम छोड़ देते हैं, कैसे लोग हैं? वो उसकी मर्जी है, उसके लिए हजारों कंपनीज हैं और हमारे लिए लाखों एम्प्लॉइज। आपको किसी चीज से परेशानी नहीं होती है बॉस? क्या परेशान होना है, बोलो ना, अपना दिमाग तो वैसे भी क्रिएटिव है। और उसकी 100 फीट की दूरी पे तुम्हें पता चल जाएगा, ईश्वर तुम्हें सिग्नल देगा बेटा, हवा तेज होकर फूलों सहित पत्तों सहित और डस्ट सहित तुम्हारे इर्द गिर्द स्लो मोशन में घूमेगी। तुम इधर से आओगी वो उधर से आएगा, तुम इधर से आओगी वो उधर से आएगा, और तुम दोनों के मिलने से ठीक पहले हिचकी आओ। और एक जरूरी बात, टक्कर होने के बाद गिरने से पहले तुम आई लव यू। ये तो गिर गई बॉस, शायद बेहोश हो गई है बॉस। चलिए बॉस, इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। अरे हम क्यों इसके बारे में सोचें? क्या बॉस, कुछ भी हो लेकिन हम तो इंसान ही है ना, इसे हॉस्पिटल में भर्ती कर देते बॉस, देखने में तो अपने गांव वाली ही लगती है। सेंटीमेंट, पागल हो गए हो क्या? चुपचाप चलो। नहीं नहीं बॉस, आई लव यू भी तो बोला है इसने। ए, इसे मैं ठीक से जानता तक नहीं हूँ, और ये मुझे आई लव यू बोले तो मैं इस पे यकीन कर लूं? बॉस, इसने आई लव यू आपको नहीं, मुझे बोला है। अरे यार, ठीक है ठीक है, चलो ले लो। टिक टक टक।
ऐसे घूम क्यों रहा है? खाना हजम नहीं हुआ क्या? उसने जो बोला है मैं उसे हजम नहीं कर पा रहा हूँ बॉस। ओह गॉड। करेक्ट बॉस। मैं भी भगवान को याद कर रहा हूँ। अपने इंडियन गार्ड फॉरेन से भी पावरफुल है बॉस। मैंने वहाँ मांगा था, दे यहाँ दिया। Excuse me? Yes. She's fine. You can take her. Thank you. मैं जब तक हूँ तब तक उसे कुछ नहीं होगा। Hi, I'm Naina. Naina, I am Sandy. He is my boss, Shiv. नैना क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं माँ, थोड़ा चक्कर आ गया था, इन्होंने ही मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया। ओह थैंक यू सो मच सर। व्हाई डोंट यू डू वन थिंग, कल हमारे घर में डिनर के लिए आइए ना। कल आप जिंदा रहेंगे क्या? क्या? या फिर मैं कल आने के लिए जिंदा रहूंगा? आई डोंट बिलीव इन टुमारो, कम लेट्स गो। लेकिन मैं आऊंगा, डोंट वरी। बाय नैना। यू नो उन्हें कल पर भरोसा ही नहीं है, उसमें स्पेशलिटी क्या है? हम कल के बारे में सोच सोच कर आज का दिन भी स्पॉइल कर देते हैं। ओह ये तो हम जानते ही नहीं। जानती तो है पर उस बात पर। समझ गई, अब तो तू नहीं रही उसकी हो गई है। सो यू वांट टू सी हिम एंड मीट हिम? हां एग्जैक्टली। बट हाउ? उसने तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट करते हुए फोन नंबर और एड्रेस दिया होगा। गुड आइडिया, प्लीज तू मेरी हेल्प करेगी। आज मुझे एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाना है, आई कांट मिस दैट, सो इफ यू डोंट माइंड तू वहां जाएगी। ओके, थैंक यू, सी यू, बाय बाय। Excuse me. Yes, please. Yesterday we admitted a patient called Naina. Can I get her details, please? Naina? She's inquiring the same. आप? Yes. यहाँ नैना को जिसने एडमिट किया वो मैं हूँ। She is in love with you? Yes, it's me. मैंने तो एक्सपेक्ट किया था लेकिन उसने एक्सप्रेस कर दिया। मुझे तो डाउट हो रहा है। मुझे भी डाउट था, बट हार्ट ओपन होता है तो आंखें क्लोज हो जाती हैं। पर मुझे तो सब हिला हुआ लग रहा है। क्या बोल रही हूँ? आपकी तारीफ। नैना फ्रेंड हर्षा। डोंट फील बैड, आपको भी कोई मामूली आदमी मिल ही जाएगा, मुझसे भी काला। आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाए तो मैं चली जाऊं। इस सफोकेटिंग। टेक माय कार्ड। अपने फ्रेंड से बोलिए वो जब भी चाहे मुझे डिस्टर्ब कर सकती है। आई एम ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड। गॉश। एक्सक्यूज मी। व्हाट? उससे कहिएगा आई मिस हर अ लॉट। नॉनसेंस। कांग्रेट। श्योर सर। डू वन थिंग, कम आफ्टर सम टाइम एंड कलेक्ट द पेपर फ्रॉम आवर एमडी। थैंक यू सो मच सर। हे हर्षा, एन इंफॉर्मेशन। कितना बैड टेस्ट है तेरा, वो कौन से एंगल से तुझे पसंद आया? कलर नहीं, फिगर नहीं, कैरेक्टर भी नहीं है। किससे मिलकर आई है तू? तू जिससे प्यार करती है उस मॉडल को, ये बात उसने खुद बताई। इम्पॉसिबल, समवेयर समथिंग इज रॉन्ग। क्या? हेलो हेलो नैना, वेयर आर यू लॉस्ट? हे हर्षा, व्हाट अ सरप्राइज, ही इज हियर, मेरे बिल्कुल सामने। अभी अभी यहाँ था, इतनी जल्दी वहाँ पहुँच गया? हाँ ऑफ कोर्स, रंग थोड़ा पक्का है, बट स्टाइल, एटीट्यूड, हिज थॉट्स। मैं इसे ढूंढ रहा हूँ और ये मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई। ही इज जस्ट अमेजिंग, आई लाइक हिम, इन फैक्ट आई लव हिम। मुझे या अब आई विल कॉल यू बैक। ओके, आई थिंक यू हैव गॉन मैड, बाद में बात करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ यस। My name is Shiva. She is Naina, newly appointed. Papers यहाँ हैं. Please go through. Not needed. All the best. Thank you, sir. Excuse me. इस कंपनी में love, emotions, feelings, sentiments, attraction जैसी चीजों के लिए कोई जगह नहीं है. Sure, sir. I know my limitations. Better be in it. Thank you. Congrats, बेटा. Thank you, sir. उस दिन तो मैं यहाँ नहीं रहूँगा. Oh. Anyway. सब ठीक हो जाएगा बॉस, आपको तो मेरी शादी में जरूर आना होगा। कितने दिन बचे हैं? सिर्फ 8 दिन बाकी हैं। उतने दिनों तक जिंदा रहोगे? देखो जब शादी वाला दिन आएगा तब मुझे फोन करना, मैं जिंदा रहूंगा तो मैं आऊंगा। दैट्स ऑल। ये क्या है शिवा? यस अंकल, टुमारो व्हाट्स गोना हैपन आई डोंट नो। ऑल टू हिम बॉस, मैं चलता हूँ। ओके, व्हाट टू यू? Hi, sweetheart. Hold on. शर्मा रही है। I love you. What? I love you. Hello, hello, hello. You are mistaken. We are not meant for each other. अरे कल तक तो आप ठीक थी, आज क्या हो गया? सुनो, कल की बात की आज कोई वैल्यू नहीं, नए दिन की नई शुरुआत, आज का दिन कल नहीं होगा, इनफैक्ट कल रहेगा या नहीं वो भी नहीं पता। अरे आप सडनली मेरे बॉस की तरह क्यों बात कर रही हैं? एग्जैक्टली, हम जिससे पसंद करते हैं उससे हमें इंस्पायर होना चाहिए। ऐसा है तो मेरे से एक्सपायर हो गया। मैं आपको एक सच बताऊं, जिस तरह से तुम मुझे नहीं मिले ना, उसी तरह मेरा बॉस भी तुम्हें नहीं मिलेगा। अरे जो कल पे विश्वास नहीं करता वो तुम्हारे प्यार को कैसे मानेगा? उनकी ये सोच कब से है?
कम से कम 20-25 साल तो हो ही गए होंगे। तब से तो कल आ ही रहा है ना। So wait and watch. I'm going to make him fall in love with me. Hello, excuse me. अपने दोस्त का नंबर तो दे ही सकती है ना आप? Idiot. Hello, hey, hello. I hate girls. What's this? कल की डेट का जो चेक है, उस पे आज साइन करना है। कल आप रहेंगे क्या? कल को आप नहीं मानते ना? कल मैं नहीं हूँ तो पेमेंट की भी क्या जरूरत है? आपके भरोसे पर, इस कंपनी के भरोसे पर बहुत लोग जी रहे हैं। अगर कल आप ये चेक साइन करने के लिए नहीं रहे तो। गुड नैना, तुम ही मेरी तरह सोचती हो। अचानक ही अगर आज मैं मर गया तो उसे फोर्जरी समझ कर चेक स्टॉप कर दिया तो? कोई फोर्जरी कैसे कर सकता है, वो भी आप पर मरने के बाद? आई डोंट थिंक सो। इम्प्रेसिव। थैंक यू।